हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू वर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको डिज्नी में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट करवाने वाली हूँ, जो कि हर एक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक प्रीलिम्स में देखने को ज़रूर मिलता है एक क्वेश्चन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे, जो कि हमारे 5 मार्क्स इससे क्लियर है कि 5 मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, आप अच्छे से यदि इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो इससे, इस टॉपिक से। तो चलो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा कैसा है। ये देखिए, ये हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें आपको इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियोस को पॉज करो एंड आप खुद से प्रैक्टिस करो, और आप यदि खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो और उससे आप कंसेप्ट सीखो कि कैसे हमें लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डायरेक्शन दी होती है, हम पहले पढ़ते हैं। कह रहा है एट पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, एंड ऑल देम आर नॉट फेसिंग साउथ, मतलब साउथ नहीं फेस कर रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि वो सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ओके, ईच वन ऑफ देम हैज अ सेमिनार ऑन डिफरेंट डेट इन अ मंथ। वो सभी सेमिनार में डिफरेंट मंथ में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जो कि डेट यहाँ पे दिया हुआ है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26 को। ठीक है, बट नो नेसेसिटी इन द सेम ऑर्डर, ये नहीं है कि सभी सेम ऑर्डर में। यहाँ तक तो डायरेक्शन है, और एग्जाम में डायरेक्शन बहुत क्विक एकदम नज़र को देख के बस एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, बहुत टाइम हमें इंस्ट्रक्शन पर नहीं देना होता है, हमें इंस्ट्रक्शन पर टाइम नहीं देते, और यहाँ से क्या है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्यू सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, मतलब एक्सट्रीम इंड पे, कोई इंड पे लेफ्ट या राइट किसी इंड पे क्यू सीट किया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रो कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एट पर्सन को सीट करवाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 8 है। अब इसमें कह रहा है क्यू सीट एक्सट्रीम इन, तो क्यू को यदि इस इंड पे, एक तो क्यू को हम इस इंड पे सीट करवा सकते हैं, और एक क्यू का होगा इस इंड पे सीट होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर अटेंड द सेमिनार डेट नेदर ऑन 20 नोर ऑन 22। तो आर जो है जो कि 20 और 22 को सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा है। टी सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में। ठीक है, यू के लेफ्ट में फोर्थ स्थान पे कौन है, टी बैठा हुआ। ठीक है, उसके आगे चलिए देखते हैं, एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, टी जो है आर का इमीडिएट नेबर है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं कि इसके ये इमीडिएट नेबर है। देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के बीच में दो पर्सन बैठे हुए, हम इस तरीके से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ तक हुआ, आप कहते हैं हो सेमिनार डेट इज 24, उस किसके लिए आया है, पी के लिए, पी जो है वो 24 को सेमिनार अटेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है द वन हु सेमिनार डेट इज 26 सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में क्या है, सेकेंड में है, जो कि 26 को सेमिनार अटेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, पी इज नोट नेवर ऑफ आर एंड यू, पी जो है, जो पी जो है वो आर एंड यू के नेबर नहीं है, मतलब इसके पड़ोसी पी जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आर टू पर्सन सीट बिटवीन द वन हु सेमिनार डेट इज 16 एंड द वन हु सेमिनार डेट इज 18, जिसका सेमिनार का डेट 18 है और 16 है, उसके बीच में कितने पर्सन है, दो पर्सन बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बीच में दो पर्सन है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे फिर कह रहा है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, हु कौन 18 के लिए, जो कि एस के, हु सीट सेकेंड टू द राइट, राइट इन, ठीक है, राइट इन से सेकेंड मीन्स कि राइट इन सेकेंड, यहाँ पे 18 यहाँ पे है, 18 और 16 के बीच में 2 है, मीन्स 16 यहाँ पे हो जाएगा, 18 यहाँ है, सॉरी 18 को यहाँ डालेंगे 1, 2, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, Q
क्यू और पी के बीच में 2% है, क्यू और पी के बीच में 2% और पी क्या है 24 है, तो क्यू और पी के बीच में यहाँ पे पी आएगा बट पी 24 नहीं होगा, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, मीन्स ऊपर वाला कंडीशन अब चलेगा, ठीक है, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब Q और P के बीच में 2% है, तो 1, 2 तो P को यहाँ पे सीट करवा दो और 24 यहाँ पे सीट करवा दो, ठीक है, सही है। अब देखो क्या कह रहा है, इसके आगे चलिए, सब पहले हम कंडीशन नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो क्या, उसके बाद कह रहा है एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज सेमिनार डेट इज 12th, ठीक है, 12th जिसका सेमिनार का डेट जो है 12th है, तो उसके लेफ्ट में क्या कर रहा है, सेकेंड में एस है, चलो ये भी कंडीशन हमारा हो गया। एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, कौन, एंड किसके लिए, एस के लिए है ना, तो एस के इमीडिएट नेबर में कौन है, यू है, तो यू हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। और W does not attend the seminar day 22 and is not a neighbor of P. W जो है वो 22 को सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा है और W जो है वो P के नेबर भी नहीं है, मतलब P के पड़ोसी भी नहीं है, इस तरीके से क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कंडीशन कैसे नोट करना चाहिए, इसी तरीके से हमें कंडीशन नोट करना चाहिए ताकि हम एक बार कंडीशन देखें उसके बाद हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ हम कंडीशन देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद कह रहा है आर डज नॉट अटेंड द सेमिनार और 16, आर जो है 16 को सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो कंडीशन सारा हमारा नोट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, मर्ज करना है, यहाँ तक क्लियर है, चलो ये जो है हम इसको पुट कर दिए, ठीक है, अब हम मेरा ये कंडीशन भी मर्ज हो चुका है, अब हमारा ये सारा कंडीशन बचा है जो कि अब हमें इसमें पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे यू के लेफ्ट में 4th स्थान पे आ रहे, ठीक है, तो 4th स्थान पे कम से कम अगर मिनिमम कंडीशन देखा जाए तो यू तो यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो 1, 2 बीच में 3% तो 1, 2, 3 मीन्स यू यहाँ पे आ सकता है, बट यू के बारे में आप देख रहे हो कि क्या कह रहा है, यू जो है वो आर के पी के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, टी पी के नेबर नहीं, मीन्स कि यू के लिए अब सिर्फ यही स्थान बचा, क्योंकि यहाँ तक क्यू पहले से क्यू सीट है, तो यू के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ पे ये एक ही कंडीशन बचा जहाँ पे यू होगा, तो चलिए यहाँ पे यू को सीट करवाते हैं, यू के लेफ्ट में 4th पे टी है, तो ठीक है यहाँ पे टी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये कंडीशन हो गया हमारा, उसके बाद कह रहा है टी का नेबर कौन है, आर है, ठीक है, टी का नेबर आर है, बट यहाँ पर देखो पी जो है आर का नेबर नहीं है, तो पी यहाँ पे है मीन्स आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि पी के नेबर में हो जाएगा, तो आर के लिए यही कंडीशन बचा, यहाँ पे आर सीट होगा, क्लियर है यहाँ तक, चलो ये भी कंडीशन हमारा मर्ज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ये यू जो है वो यू के, देखो यहाँ पे यू के नेबर में एस है, मीन्स यू के नेबर में एस यहाँ पे होगा, क्योंकि एस यहाँ पे देंगे तभी तो इसका नेबर होगा, क्योंकि इस नेबर में तो क्यू है, तो एस के लिए यही है, और एस जो है आर के लेफ्ट में सेकेंड है, तो क्यू के जगह पे यहाँ पे आर हो जाएगा, आर के लेफ्ट में सेकेंड एस हुआ, ये भी कंडीशन हमारा मर्ज हो गया, ठीक है ना, कंडीशन एक एक इतने आराम से कंडीशन, और सबसे पहला कंडीशन मर्ज होना वो इतने आराम से देखो कि एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हुए मर्ज होते, जो कि एक ही कंडीशन में बन सकता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन यदि आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो एक कंडीशन में क्वेश्चन बन जाता है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप कर पाओगे। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद देखो सीट कितना बच गया है, आप ये देखो, एक तो यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ दोनों पे 2% आना है, और पर्सन कौन कौन बच गया, एक तो भी बचा हुआ है, एक W बच गया, तो यहाँ पे कह रहा है डब्लू पी के नेबर में नहीं है, ठीक है, तो डब्लू पी के नेबर में मीन्स कि डब्लू यहाँ पे 16 के पास डब्लू नहीं आ सकता है, तो डब्लू के लिए एक यही कंडीशन बचा है जो कि राइट लेफ्ट इंड पे है, तो डब्लू को हम यहाँ पे सीट करवा दिए। अब इसके बाद क्या कर रहा है, डब्लू यहाँ पे सीट हो गया, तो अब एक ही बच गया जो कि है भी, तो भी को हमें क्या करना पड़ेगा, 16 पे पुट करवाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि बी के राइट में सेकेंड, तो बी के राइट में सेकेंड, एस के जगह पे 26 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि डब्लू जो है 22 डेट को सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा है, और आर भी 22 को अटेंड नहीं कर रहा है, डब्लू नहीं 22, आर नहीं 22, तो बच कौन गया, टी बच गया, टी 22 हो जाएगा।
अब कह रहा है आर जो है 20 को सेमिनार अटेंड नहीं कर रहा है, तो आर यदि 20 को अटेंड नहीं कर रहा है मीन्स डब्लू 20 को अटेंड कर रहा है, तो डब्लू में 20 हो जाएगा। अब एक डेट बच गया है, चलो देखते हैं कौन सा डेट बच गया, 12 हो गया, 14 बच गया, ठीक है। तो आर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, आर 14 को सेमिनार अटेंड कर रहा है, ठीक है। हमारा ये अच्छे से हो गया है, ठीक है, हमारा ये कंडीशन सारा मर्ज हो चुका है और सब इसमें फॉर्म फिल करवा चुके हैं, ठीक है। अब चलो, अब हमें इसमें, अब हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशन को मर्ज हो गया, हम बन सॉल्व कर लिए, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन जब ये बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा नहीं, क्वेश्चन तो हम यूनिक विद इन सेकेंड में हो सकता है, तो चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट एट एक्सट्रीम इंड, एक्सट्रीम इंड पे कौन बैठा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं। ये 20 और ये है 12, तो 22 में कौन सा है, डब्ल्यू और क्यू, ठीक है, तो डब्ल्यू और क्यू, तो हम देखते हैं डब्ल्यू एंड क्यू, ये सी हमारा आंसर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिसका सेमिनार की तारीख 18 है के बाई और तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, तो 18 के बाई और तीसरा, तो 18 ये है बाई और तीसरा, 1, 2 and 3 भी 16 है, चलो देखते हैं। इसमें एक भी नहीं दिया हुआ है, मीन्स नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर सिट बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में कितने मेंबर बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं। चलिए टी एंड पी के बीच में, तो टी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, इसके बीच में एक ही पर्सन है ना, तो 1 पर्सन हो जाएगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 1 पर्सन, मीन्स बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद का क्या कर रहा है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी के इमीडिएट नेबर में कौन सा है, ठीक है, तो पी के इमीडिएट नेबर, पी यहाँ पे है, इमीडिएट नेबर कौन हो गया, एक भी है और एक एस है, दोनों इमीडिएट नेबर है, वी और एस। चलिए हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है, तो देखो वी भी दे रखा है, एस भी दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, डी हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि ट्रू है, ठीक है, टी 16, तो चलिए सबसे पहले टी 16 और पी 22, टी 16 रॉन्ग है, पी 22 ये भी रॉन्ग है, चलो दोनों, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब S24 और V16, तो हम चलिए देखते हैं S24, S कहाँ है, यहाँ तो 26 है, वो भी गलत है, S24 V, उसके बाद क्या है, V16, तो V16 ये हमारा सही हो गया, ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, S24 ये गलत था, V16 ये सही था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। देखिए जब भी आप पजल सॉल्व करने बैठते हो ना, तो तब भी आप क्या करो, हमेशा ये देखो कि कितने कम कंडीशन हम ले सकते हैं, कितने मिनिमम कंडीशन के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 कंडीशन अगर लेके चलेंगे तो डेफिनेटली एक तो सही होगा ही होगा, बट हमारा टाइम जाएगा ना, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप मर्ज करना सीखो, किस तरीके से कंडीशन को हम मर्ज करते हैं और कैसे कंडीशन को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हुए हम कम कंडीशन में बना सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो एक कंडीशन यहीं पर कैंसिल हो गया, मर्ज करके देखे तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड डे के चले और उसको यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे को इस तरीके से एक दूसरे तक इंटरकनेक्टेड करते हुए चल किए हैं, तो कितने आराम से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया ना, दूसरा फिर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ा ना। और वही अगर कंडीशन हमें अच्छे से हम पिक नहीं कर पाते कि किस कंडीशन को किसके बाद हमें देना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, हमें 2-3 कंडीशन करना पड़ जाता है। तो आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका भी स्पीड और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। पजल क्या है, माइंड भी डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट सोच सकते हो और आपकी स्पीड कितने फास्ट है, मतलब आप लिख कितने फास्ट सकते हो, तो आप उतने जल्दी पजल को सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि आप सब अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। यदि आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हाँ, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक बात कि आपको अगर प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो आप हमारी ज्ञान नीति ऐप जो कि यूट्यूब सॉरी जो आपको ज्ञान नीति ऐप जो कि हमारे
प्लेलिस्ट से, गूगल के प्लेलिस्ट से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लो और वहां पे आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी है, जैसे IBPS RWPO कलर के लिए यदि आपको मॉक टेस्ट लेना है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वीडियो सोर्सेज भी है, आप वीडियोज जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का आप वीडियोज वहाँ से ले सकते हो, वीडियोज कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और एक कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट कोर्सेज है, उसमें क्या है जैसे अर्थमेटिक, पजल, DI हर एक टॉपिक का 500 से एवर क्वेश्चन हर एक चैप्टर का दिया हुआ है। वो कोर्स आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। यदि आप उस कोर्सेज को परचेज करते हो ना तो आपको क्वेश्चन सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आप आराम से बैठे बैठे क्वेश्चन को आराम से कहीं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया 500 एवब क्वेश्चन है, नंबर सीरीज 500 एवब क्वेश्चन, DI यहाँ तक कि DI के डिफरेंट डिफरेंट हर एक टाइप के DI आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, और पजल के भी ढेर सारे क्वेश्चन। तो आप एक बार जाओ और साइट पे विजिट करो और देखो कि आपके लिए कौन सा यूजफुल कोर्सेस है, आप इसे बाय कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।